खबर यूपी के चंदौली से है। साहबगंज स्थानीय थाना क्षेत्र के पालपुर गांव के पास नहर तिराहे से मुखबिर की सटीक सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए साहबगंज पुलिस ने 43 किलो 800 ग्राम गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देश में मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त में संलिप्त तस्करों की गिरफ्तारी को जनपद पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। शनिवार की देर शाम साहबगंज थाना प्रभारी वंदना सिंह चेकिंग में व्यस्त थी, तभी मुखबिर की सूचना में मिली कि बगैर नंबर से हीरो होंडा मोटरसाइकिल से एक व्यक्ति गांजा की तस्करी करने के लिए बड़ी मात्रा में मोटरसाइकिल द्वारा गाया लेकर इसी रास्ते जाने वाला। जैसे सूचना मिली तत्काल प्रभारी निरीक्षक वंदना सिंह कार्यवाही करते हुए प्लास्टिक की बोरी में छुपा कर 43 किलो 800 ग्राम अवैध गांजे के साथ एक तस्कर को पालपुर तिराहे से गिरफ्तार किया। अभियुक्त के पास से बिना नंबर के हीरो होंडा बाइक की भी बरामद हुई। मामले के बाबत थाना प्रभारी वंदना सिंह ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त रामदेव राय निवासी भगांदा थाना चैनपुर जिला कैमूर भगवा बिहार का निवासी है। गिरफ्तार उक्त अभियुक्त के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। चंदौली से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट।